जय हिंद, नमस्कार मेरे सैन्यू लाडलो। आप सभी को बता दूं कि आज अभी 2 घंटे पहले एक और न्यूज निकल के आई है कि भारत के पहले अग्निवीर शहीद हो गए। वैसे तो आपने इससे पहला भी मेरा वीडियो देखा होगा जो अग्निवीर अमृतपाल पे है, लेकिन उनकी जो शहीदी है उसको सेना ने आत्महत्या करार किया था कि वो आत्महत्या, इसलिए उनको शहीद नहीं माना जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अभी अभी 2 घंटे पहले सियाचिन ग्लेशियर में शहीद अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण, ये जो अभी अग्निवीर के फर्स्ट बैच के थे जो ड्यूटी के दौरान, ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, यहां पर ये शहीद सिर्फ हम बोल रहे हैं, सेना नहीं बोल रही है। जब मैंने पिछला वीडियो बताया तब बोला था कि सेना का ऐसा नियम है, इसलिए अग्निवीर को जो आत्महत्या की, इसलिए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। क्या आपको लगता है इनको शहीद का दर्जा मिला है? अभी मैं आपका यह भ्रम भी तोड़ने वाला हूं। साथ ही अगर आप भारतीय सेना से प्रेम करने वाले हैं या इस हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले हैं तो यह वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आज भारतीय सेना के लिए या इन अग्निवीरों के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो आवाज है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। कुछ बच्चे पिछले एक वीडियो पे कमेंट भी किया था कि आप लगातार क्यों वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, जब आपके घर पर अर्थी आएगी ना किसी अग्निवीर की, पहली बात तो ये जो शब्द है ना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो शहीद होके आ रहा है वो आर्मी जवान होके आ रहा है, ना कि अग्निवीर। पहले तो उसके लिए ये शब्द बोलना गलत, दूसरा उसके लिए शहीद नहीं लिखा हुआ। आप सोचिए क्या बीत रही होगी उसके माता पिता के दिल में, जिनका जवान बेटा ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के लिए शहीद हो जाता है, फिर भी उसको शहीद का दर्जा नहीं है और घर लौट जाता है। अभी अभी देखो, सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर है। अब यहां पर देश के पहले अग्निवीर लिखा गया, साथ ही देखना, लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा था। अगर इनको सम्मान सेना के बराबर नहीं है तो फिर इनको टिपिकल एरिया में ड्यूटी क्यों दी जाती है, क्यों इनको नियुक्त किया जाता है? अगर आप 4 साल ट्रायल बेस पे अगर इनको रखा जाता है तो क्यों उनके साथ में ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये शहीदों के साथ ही क्यों, जो इस मिट्टी के लिए कितने बलिदान दिए। आप सोचिए वीर भगत सिंह के आप कितने बड़े फैन हैं। मैं एक चीज हमेशा, एक कविता है जो दोहराता रहता हूं कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गांव में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सलगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघमलारो वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं और मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। अगर जब इनकी डेड बॉडी, इनका पार्थिव शरीर जब इनके गांव पहुंचे तो वहां शहीद के नारे मत लगाना, क्योंकि जब भारतीय सेना जब तक शहीद का दर्जा नहीं देती तब तक आपको शहीद के नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसी गलती मत करना ताकि पूरे देश को पता चले कि जो ये अग्निवीर पॉलिसी है इसके क्या क्या परिणाम है। ये सब तक बात पहुंचनी चाहिए। अभी आपको आगे की इसके पूरी चीजें बताता हूं। ये इनको जब सेना ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है जिसमें आप देख रहे हैं सेना के जवान इनको सलामी दे रहे हैं। लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर है अमृतपाल सिंह जी की जो हत्या हुई थी, आत्महत्या करार कर दिया था उनको, उनको शहीद नहीं माना गया, इनको माना गया। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा है। भारतीय सेना ने लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हालांकि उनके नाम के आगे शहीद नहीं था, हालांकि उनके नाम के आगे शहीद नहीं था। ये तो एक ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, फिर भी इनके नाम के आगे शहीद क्यों नहीं, क्यों इतना भेदभाव? आज हमारे देश की आर्मी का यह हाल हो गया, क्या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? जब एक तिरंगा भी नसीब नहीं हो रहा है जो इस मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार है उनके लिए। माना इतने दिन अर्धसैनिक बलों को आपने तिरंगा नसीब नहीं दिया, आपने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, आज आपने आर्मी में भी यह भेदभाव कर दिया है कि आर्मी जवानों को भी शहीद का दर्जा नहीं तो शहीद का नारा भी नहीं। झूठा शहीद का नारा जब आप पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए लगाते हैं वो भी बंद कर देना, और इन शहीदों के लिए भी बंद कर देना। अग्निवीर जो भी गांव में आता है आपके पार्थिव शरीर, शहीद के नारे मत लगाना, वहां भारतीय सेना की जय बोल देना और बता देना कि अग्निवीर
शहीद का नारा मत लगाना, क्योंकि जब सेना ने शहीद नहीं लिखा है तो आप अपने मन से शहीद मत जोड़ना, वास्तविकता को वास्तविक ही रहने देना, ताकि पता चले पूरे हिंदुस्तान को कि क्या हो रहा अग्निवीर पॉलिसी के तहत। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स ने लिखा, सेना सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर ऑपरेटर गावते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है, और ये वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें हालांकि वो सलामी दे रहे हैं, लेकिन शहीद का दर्जा या शहीद की बात यहां पर नहीं लिखी हुई। साथ ही एक चीज और देखिए, जब सेना में ये आई थी उस समय सेना के द्वारा नियम पारित किया गया था, उसमें क्या नियम था सुनिए ध्यान से। सेना के नियम के मुताबिक ज्वाइनिंग के पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने पर 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए मिलेगी। इसके साथ एक नियम और लिखा था, इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मिलेंगे, मेडल मिलेंगे, भत्ता मिलेगा। ध्यान रखना, अवार्ड मिलेंगे, मेडल मिलेंगे और भत्ता मिलेगा। वहीं सरकार ने 44 लाख का बीमा कराएगी, यानी जब कोई भी अग्निवीर भर्ती होगा तो उसका 44 लाख का बीमा कराएगी, यानी 44 लाख रुपए मिलेंगे हर एक अग्निवीर। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी, इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। ये नहीं, उनको बीमा की रकम मिलेगी, उनके बचे हुए जो कार्यकाल है उसका वेतन मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उनको शहीद का दर्जा भी मिलेगा, या एक शहीद को जो सुविधाएं मिलती है या जो दर्जा मिलता है वो दर्जा भी मिलेगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। ना ही सेना ने सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो पोस्ट किया तब उन्होंने शहीद लिखा। तो आज अगर हम इतनी बुलंदी से आवाज उठाएं, तो जिस प्रकार से हमने वीडियो बनाया था आप सभी को पता है अमृतपाल पे, तो सेना को इसका जवाब देना पड़ा था। जब आप लोग जागरूक हो जाओगे इन चीजों के प्रति तो सेना को जवाब देना पड़ेगा, और कम से कम जो इस देश की मिट्टी के लिए आर्मी के जवान अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं उनको शहीद का दर्जा तो मिले। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, और जो मेरी आवाज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और साथ आप भी अपनी आवाज उठाए, चाहे कमेंट्स के माध्यम से, शेयर करके, लाइक करके, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि जो पार्थिव शरीर जवान बेटों के घर आ रहे हैं उनके माता पिता को कम से कम गौरव तो महसूस हो। आप देखिए अभी दाढ़ी मूंछ भी इनकी पूरी नहीं आई है, लेकिन शहीद होके पार्थिव शरीर घर आ गया है। आज ही की ये घटना है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मेरी बात है वो समझ गए होंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।